हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से आर टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1 रुपए 65 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की तेजी दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 62 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर में एक टॉप बना है 72 रुपीज का। 72 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है जहां पर स्टॉक में नीचे का सपोर्ट लेवल है 57 रुपीज का। 57 रुपीज का स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर रहता है जब तक तो स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और ऊपर में टारगेट अराउंड 79 रुपीज और 85 रुपीज, ये दो बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सके। स्टॉक में अब ऊपर में एक रुकावट रेंज है अराउंड 68 रुपीज पर, जहां पर स्टॉक ने पहले भी इस प्राइस को रीटेस्ट करने के बाद ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और स्टॉक में देखें अभी तो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा और स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में फंसा हुआ था, पर जब स्टॉक में कमजोरी जब भी देखने को मिलती है जब स्टॉक 57 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है। जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर है स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। ऊपर में स्टॉक एक बार 72 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है तो लॉन्ग टर्म में एक बड़े टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।